ये है बॉन्ड ईवेक 70 की बात करेंगे, उसमें सारे कवर हो जाएंगे, सबके शेप से। ये है एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये है रिटर्न इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे होती है इसकी इरीगेशन की सीलिंग। ये काली वाली पट्टी देख लो, ये क्यों है बताता हूँ। ये काली वाली पट्टी है क्यों है, हमने इसको पेशेंट के यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए रखा। बायपोलर होता है ये, बता रहा है, ब्लू बटन दबाओगे तो बायपोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा। ये तू समझ आता, सुन सकता है बैठ के, कुछ कर ले जो करने की मर्जी है, सब कुछ लगती है। होता क्या है कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, बेसिकली आप मान लो पावर है, वो ना इस टिप से वापस चलती है रिवर्स, यहाँ से रिवर्स चलती है, सिग्नल पूरा करती है। एनोड जो होता है या एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, वो होता है एमिटर, ट्रांसमीटर मान लो आप, ट्रांसमीटर वो निकालता है सिग्नल्स को बाहर। और जैसे हमारे गाड़ी में एफएम है, रेडियो है, ये क्या होते हैं, रिसीवर, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो ये ट्रांसमीटर होता है और ये रिसीवर है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। क्या इंसुलेशन में, प्लास्टिक रबड़ में से पावर जा सकती है, करंट लगता है, नहीं लगता ना करंट, रबड़ प्लास्टिक में, ये इंसुलेशन इसलिए होती है कि मान लो पेशेंट की नोजल नाक में से आपने डाला और नाक से कस तो होगा ना शाफ्ट इसका, अगर ये नहीं होगा, पूरा मेटल होगा तो क्या होगा, पेशेंट की नाक पे बर्न हो जाएंगे। पहले ना मोनोपोलर सिस्टम आते थे, मोनोपोलर जिसके अंदर की पेशेंट के ना थाई के नीचे पैड लगाते थे, जेल लगा के सर्जरी कराने के लिए, आपको मालूम होगा था, तो पेशेंट को वहाँ पे ना बर्न हो जाते थे सेकेंडरी। उन सबका लफड़ा खत्म हो गया, वापस आता हूँ मुद्दे पर। आपने उस तक तीनों वॉन्ड में डिफरेंस किया है, मेरे हाथ में जो वॉन्ड है ये ईवेक नहीं है, प्रोसाइज मैक्स है। अब मैं इसकी इमेज को थोड़ा सा करूँगा छोटा, ठीक है जी। होता क्या है सर, ये वॉन्ड ऐसी है कि दिखा रखी खाली बड़ी करके, इसके अंदर मैं देखता हूँ, शायद नीचे पूरा वॉन्ड का फोटो दिख रहा है आपको, यही वॉन्ड है मेरे पास, ठीक है जी। ये देख लो ना, ये जो आप स्क्रीन पर देख लो, मेरे हाथ में कुछ कुछ वैसे ही वापस जा रहा हूँ ऊपर दिखाने के लिए आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कॉम्बिनेशन में जो ग्रो डिस्चार्ज प्लाज्मा बनता है, उसको बनाने के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो कम्पलेटर चाहिए और वॉन्ड तो चाहिए, इसके अलावा चाहिए हमें सक्शन और इरीगेशन। तो आप देखोगे इलेक्ट्रोड के नीचे जो गोल होल है, ये है सक्शन, सक्शन करने के लिए। और जो स्लीव है ना, इसके स्लीव बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्लीव। स्लीव मतलब क्या होता है, स्लीव, 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 बाजू, स्लीव, अच्छा फुल स्लीव, कवर, कवर, बेसिकली कवरिंग, स्लीव इज दी कवरिंग, ठीक है। तो ये स्लीव होती है, इस स्लीव में से आता है इरीगेशन, पानी स्लीव में से आता है, इरीगेशन आता है, नॉर्मल स्लाइड इरीगेशन आता है टिप के ऊपर, कंडक्टिंग मीडियम होता है, पानी में से तो पावर बहती है ना, कंडक्टिव होता है वो, ठीक है, उसी की वजह से प्लाज्मा बनता है। ये बाद में बताऊंगा, बहुत डिटेल्ड है टॉपिक, बाद में बताऊंगा, मैं तुम्हें डिफरेंस बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है। ईवेक 70 वॉन्ड अगर आपने हाथ में कभी लिया हो, तो ईवेक 70 का जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट बोलते हैं जिसको हम लोग, वो होता है स्क्वायर, ये आपको पता नहीं होगा शायद, ये राउंड है, ये राउंड है, जो ईवेक होता है वो स्क्वायर होता है बाहर से भी। हाँ जी सर, आप जब हाथ में होल्ड करोगे तो एहसास होगा, ठीक। प्लस आप देखोगे अगर, तो ईवेक 70 के अंदर जो इरीगेशन चैनल है वो आता है स्लीव में से। प्रोसाइज मैक्स में 1, 2, 3 तीन पॉइंट बने हुए हैं इरीगेशन के, जहाँ से इरीगेशन आएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें, जब मैं तुम्हें बड़ा करके दिखाता हूँ स्क्रीन। देखो भाई साहब, सेम नहीं होते, छोटी छोटी शेप से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, और यही वो फ़र्क है जो कि जो कंपनियां हमें नकल करने की कोशिश कर रही हैं वो समझ नहीं पाती, और इसी वजह से वो फेल हो जाती है। ऐसा नहीं है, हम भी सोचते थे पहले कि सब सेम नहीं है, क्या कर रखा है पागल, ऐसा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ये बताना ज़रा, ये अभी आपको मैं बड़ा करके दिखाऊँ ना इमेज को, तो बताना कि ये प्रोसाइज मैक्स है और ये ई वैक है, क्या दोनों सेम दिखते हैं, दिखने में भी सेम है कहीं से भी, तो कुछ तो कारण होगा क्यों बनाया ऐसा हमने, तो वो कारण मैं बताने वाला हूँ आपको। ई वैक 70 का जो ये मेटल का रिटर्न इलेक्ट्रोड है, ये पूरा एक्सपोज्ड है,
रिटर्न इलेक्ट्रोड बैक साइड से भी, वो सारे मैक्स का पीछे से कवर्ड है, देख रहे हो। जब आप छोटी जगह में काम करते हो लाइक नोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो होता क्या है कि अगर आप यूज करोगे विकास से पूछना, विकास होती है बहुत रहता है, अगर आप EX70 यूज कर रहे हो और ये पीछे का सेकंड टच हो गया ऑपोजिट साइड में, तो वहाँ पे बर्न हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। मगर प्रोसाइज मैक्स में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आएगी। नंबर एक। नंबर दो, EX70 का सक्शन और इलेक्ट्रोड छोटे हैं, छोटे प्रोसाइज मैक्स के बड़े हैं, तो इसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, एब्लेशन की ज़्यादा प्लाज्मा क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा सक्शन है और ये ब्लॉक भी आसानी से नहीं होता। इस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं स्क्रीन इलेक्ट्रोड, चाहे तो नोट कर लो, प्रोसाइज मैक्स का इलेक्ट्रोड इज स्क्रीन इलेक्ट्रोड, याद रहेगा, स्क्रीन की तरह ना, बिल्कुल बारीक फिल्म की तरह, ठीक है ना, एक साथ है ये अलग अलग टुकड़े हैं। और ईवेक के इलेक्ट्रोड हैं वो है वायर इलेक्ट्रोड, दिख रहे हैं आपको तीन वायर, ट्रिपल वायर इलेक्ट्रोड। इसमें जो स्लीव है, ये स्लीव को उन्होंने ऊपर से ढक दिया है, रीजन बीइंग कि नाक के यहाँ ना लगे, हाँ है ना, और यहाँ से एक्सपोज छोड़ा हुआ है। प्रोसाइज मैक्स में इरिगेशन के चैनल्स खुले हुए हैं, तीन क्लियरली दिखता है, इरिगेशन पूरा हो रहा है, कहाँ से आएगा, सीधा यहाँ से इरिगेशन आती है, और यहाँ पे आती है डिफ्यूज्ड इरिगेशन, ये है टारगेटेड इरिगेशन, जेट आएगा टारगेट पूरा इरिगेशन का। ये सब चीज़ों के बारे में ना आप लोग अब विकास से जरूर पूछना, ठीक, वो आप उसको सब मालूम है, वो आपको बताएगा, उसे नहीं मालूम है तो उसकी खिंचाई करना। और इसमें आती है डिफ्यूज्ड इरिगेशन, ठीक है जी। आज मैं सर्जिकल वीडियो नहीं दिखाऊंगा, पहले सर्जिकल दिखाने वाला था मैं, बट आज मैं आपको एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ, सर्जिकल वीडियो तो समझ में नहीं आएगा आपके, बिल्कुल दाएं बाएं हो जाएगा। सर एक चीज़ रह गई उसकी, इसका ये राउंड क्यों है, उसका वो जो पहले बना था तो एंगल की बना था, जो ईवैक बना है ना मेनली, वो बना है ओरल कैविटी के लिए, ओरल कैविटी किसके लिए बना है, ओरल कैविटी, यहाँ पे स्पेस थोड़ा ठीक ठाक होता है। अच्छा, सबसे पहले ईवैक असेंबली बना था, ठीक। दूसरा जो प्रोसाइज मैक्स बना है मेनली वो बनाया था किसके लिए, एडेनोइड्स के लिए। तो एडेनोइड्स होते हैं हमारे पीछे की तरफ, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर, पीछे की तरफ, पोस्टीरियर P4, पोस्टीरियर P4 पीछे। अब सर्जरी की भाषा में क्या बोलोगे पीछे को, आज के बाद पोस्टीरियर, A4 आगे, सुपीरियर क्या बोलोगे, पोस्टीरियर, A4 आगे और A4 एंटीरियर, एंटीरियर आगे हो, क्या बोलोगे, एंटीरियर, एंटीरियर याद रहेगा, पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। बड़ा मजा आता है, हम लोग टेस्ट लेते हैं ना जब इसका खड़ा करके कि भैया इस बिंदु की डायरेक्शन बताओ, बड़ा मजा आता है लेना, ठीक है, करेंगे रेगुलर सेशंस करेंगे, मजा आएगा तुम लोगों को भी। ये ना मैंने डॉक्टर हरप्रीत कोजो को बना के भेजा था, दोनों भी है वायर, और एक दूसरा वाला बताया था कि वही है ना, ये इनका हाइब्रिड है, ये जो अब मैं दिखा रहा हूँ ना ये है इजी व्यू सर, ये हाइब्रिड है, ये देखिए अगर आप देखोगे अब तो इलेक्ट्रोड तो ईवेक जैसे है, इलेक्ट्रोड तो ईवेक जैसे हैं, ट्रिपल वायर, मगर जो शाफ्ट है इसका वो कवर्ड है, प्रोसाइज मैक्स जैसा कवर्ड है, वो कवर्ड है और इरिगेशन बैक, दिस इज इजी, इजेड व्यू भी बोलते हैं, इजेड व्यू इजी भी बोलिए। अब अमेरिकन ना बड़े खतरनाक होते हैं, अमेरिकन के जो नाम होते हैं ना, क्योंकि कंपनी एक्चुअली अमेरिका की थी हमारी अर्थ रुपये, जो बाद में स्मिथ एंड नेफ्यू ने एक्वायर कर ली, खरीद ली, जो कि है ब्रिटेन। तो ब्रिटिश लोग वो होते हैं जो खाना खाते हैं छुरी कांटे से, जिन्होंने भारत में कब्जा जमाया, और अमेरिकन वो होते हैं जो कि बर्गर खाते हैं ऐसे दोनों हाथ से, और यहाँ से गिर रहा है,
खैर जंगली थोड़े क्रूड होते हैं बाइकर, थोड़े से ना दबदबा बनाने वाले होते हैं, समझ रहे हो तुम, ताड़ भाड़ करने वाले। तभी आप नोट करोगे तो ब्रिटिशर्स, और अगर अमेरिकन की बात करें तो अमेरिकन आप देखोगे थोड़े ज़्यादा हल्ला उल्ला वाले होते हैं, और वो थोड़े रॉयल टाइप के रहते हैं ब्रिटिशर्स भी। तो अब आगे नोमेनक्लेचर, नाम सब कुछ छुपा है, प्रोसाइज तो प्रिसाइज से जुड़ा हुआ है, प्रो प्रोफेशनल, प्रिसाइज प्रोफेशनल और प्रिसाइज कॉम्बिनेशन है उसका। मैक्स तुम समझिएगा, मैक्स मैक्सिमम मन में आ गया। इवैक इज इवैक्यूएशन, इवैक्यूएट कर देता साइड को पूरी। सबसे पहला कौन बना था इनका, सबसे पहला कौन बना था, इवैक सर्जरी के लिए बना था, ठीक है, इवैक्यूएशन कर रहा है साइड पे पूरी, सक्शन इरीगेशन सब कुछ है जी, ठीक। अब आया ईजी व्यू, इसके तो नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, जैसे जैसे इवॉल्व हो गया तो नाम भी बेहतर हो गया। ईजी व्यू का मतलब क्या हुआ, आपका विजन इज क्लियर, ईजी विजन। होता क्या है, ईएनटी में जो ज़्यादातर सर्जरीज होती हैं वो होती हैं दूरबीन से, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में एंडोस्कोप, एंडोस्कोप सर्जरीज होती हैं, छोटी सी जगह होती है, आप उसमें से एंडोस्कोप ले जाते हो और अपना इंस्ट्रूमेंट ले जाते हो। तो होता क्या है, ये मेरा एंडोस्कोप है और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर ये शाफ्ट मोटा होता है तो मेरा विजन जो है वो ब्लॉक हो जाता है कि मेरी टिप एक्चुअली में है कहाँ। तो इजी व्यू में क्या किया उन्होंने, जो शाफ्ट है उसको कर दिया थिन, तो इसका जो शाफ्ट है इट इज अंडर 4 mm इजी व्यू का। तो साइज मैक्स से भी पतला शाफ्ट है इजी व्यू का। अगर मैं नए मॉडल भी दिखा दूंगा आपको, डब्बे में से लिख जाएगी देखना आज जाने के बाद मेरे ना, इसका शाफ्ट जो है ना ये इसका शाफ्ट इजी व्यू का इससे पतला है, नंबर वन, ठीक है। और हमने टिप भी छोटी रखनी है जिससे दिखता रहेगी क्या क्या काट रहे हैं हम लोग, प्रिसाइज काम करना है। तो टिप पे हमने क्या रखा है, ईवेक्स एमटी वाला इलेक्ट्रोड का अरेंजमेंट, थ्री लेयर ट्रिपल वायर, ट्रिपल वायर पुराना वायर, पुराना बैंड है मगर बॉन्ड पुराना बॉन्ड है, ठीक है, मेरी भी नहीं छुट्टी आ रहा। मगर एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास इतने सारे बॉन्ड है, और मेरे साथ हर बार होता है जब मैं कुछ महीने बाद किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और मैं अपना पुराना बॉन्ड बताता हूँ, सर मैंने आपको बॉन्ड बताता था, सर ये देखो ये बॉन्ड आया है करके, तो वो बेचारे लोग ईवैक यूज़ करते रहते हैं, सर ये रिकॉर्डिंग नहीं देना होता, ठीक है, तो ईवैक यूज़ करते रहते हैं। तो जब वो देखते ना ईजी भी दिखाता हूँ मैं उनको, ये 8 साल पुराना बॉन्ड है, तो वो ऐसे उसको रिसीव करते हैं कि अच्छा है तो बड़ा सही बॉन्ड आया है, इसका सैंपल, इसका सैंपल लेते करते हैं, इसको एक पीस मंगाता हूँ यूज़ करके देखता हूँ। इवन हमारे बहुत सारे सर्जन ऐसे हैं जो कि ये भूल जाते हैं कि LW और MLW दो अलग अलग बॉन्ड आते हैं, उनको जब मैं लरिंजल, सर लरिंजल बॉन्ड की फैमिली देखी सर आपने हमारी, लरिंजल बॉन्ड तो हमारे कौन कौन से आते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ उनको कि सर देखो एक ये आता है, एक ये आता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, सी ये काम कर यार, ये वाला उन्होंने यूज़ किया, इसका तो मेरे को मालूम ही नहीं था, जबकि मैं उसको पहले 4 बार बता चुका हूँ, तो यार तो ये काम कर, इसमें उनको दोनों भेजिए एक एक। तो ना आप MRs को देखते हो क्या, डॉक्टर को पता नहीं है ये दवाइयाँ कौन सी आती हैं, तो भी MR वहाँ जाते हैं, इट इज़ जस्ट अ रिमाइंडर, इतना काम होता है, इतने पेशेंट देखते हैं, तो रिमाइंडर ऐसा नहीं है कि हमें नहीं देना पड़ता, हमें भी रिमाइंडर देना पड़ता है, तो है ना जो दिखेगा बिकेगा, ठीक ठीक ठीक, जो दिखेगा वो बिकेगा, बिल्कुल सच्चाई है, हमें भी रिमाइंडर देना पड़ता है। आज भी सबसे ज़्यादा बॉन्ड कौन से बिकते हैं आपके यहाँ से, पहले तो ईवैक ही बिकते थे, प्रोसाइज थोड़ी दिखता था पहले, प्रोसाइज को तो हम लोगों ने धक्का मार मार के लोगों को सिखाया कि सर एक बॉन्ड और है, आप यूज करके देखो, जब आप कहते हो ना ब्लॉक हो रहा है, अरे यार बड़ी स्लो कटिंग है, सर प्रोसाइज मैक्स यूज करो, समझ में आ जाएगा आपको। और इसका एक एडवांटेज ये भी तो है सर, अगर डॉक्टर टॉक्सिन कर रहा है उसे लेना पड़ेगा अलग, एडनॉइड कर रहा है तो एडनॉइड, इससे दोनों काम हो जाते हैं, तो ये तीनों बॉन्ड दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा वो भी कर लेता है, ईवैक टॉक्स से आप एडनॉइड भी निकाल सकते हो, टॉक्स से प्रोसाइज मैक्स से भी आप सारे काम कर सकते हो, और ईजेड व्यू से कर सकते हैं। सबके अपने कुछ एडवांटेज और बेनिफिट्स और हैं, मैं एक दिन में नहीं बताऊंगा आपको, सेशन को छोटा करने का कारण ये है, मैं आपको 4-5 घंटे बताऊंगा तो उसके लिए एक अलग टाइम चाहिए होता है, अगर टाइम मतलब वो कोर्स अलग होता है पूरा तरीके से, अभी बताऊंगा ना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, ये भी ठीक है ना, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्चुअली इसके इनकी जो हर बंदे का लेवल ऑफ अलग अंडरस्टैंडिंग अलग है, तो ऐसा करना, ये दोनों तो बिल्कुल परेशान हो गए होंगे, ये हो क्या रहा है, नहीं अभी सब इनको सिर्फ ड्राइंग वाला प्रोडक्ट है। अब जैसे इन्होंने मुझे 3 चीज़ें हैं मुझे दोबारा बताओ, प्रोसाइज मैक्स, ईवैक और ईजेड ट्यू, इन तीनों को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो शक्ल सूरत के अंदर देख करके, तो आप कैसे कर सकते हो, एक तो देख करके और एक उसकी करेक्टरिस्टिक वाइज,
तो तीनों में से आप में से कोई बता सकता है? ड्राइंग से इतनी वीडियो बन दिखाई है, फोटो शेप बना के दिखा दो एक बार, जैसे ये दोनों है, दोनों कौन से हैं? शुक्ला जी इरिगेशन है, इरिगेशन मैंने पूछा क्या? जो मैंने पूछा वो आपने सुना नहीं। मैंने पूछा है कि जो इन्होंने वॉन्ड बताए थे सारे, उसमें एक प्रोसाइज मैक्स है, एक ईवैक है और एक इजेड व्यू है। तो जो इजी व्यू है और ये तीनों है, इन तीनों के बारे में एक शक्ल उसकी, पहले तो शक्ल बता दो कि शक्ल से अपन कैसे उसको देख के पता चलेगा कि कौन सा क्या है। सब फीटो फोटो बना लो, तुम भी बना लो, इन तीनों चीज़ों की फ़ोटो बनाओ, देखते हैं क्या किस किस को बनती है। ये देख देख के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके सामने में देख के लिख देना कि ये क्या है, कौन सा वॉन्ड है। के ऊपर भी हमें इरीगेशन डालनी होती है, देखा डॉक्टर बोलता है जरा इरीगेशन डाल, उससे सीधी देती उठा के और फिर वो इंजेक्ट करता है, ठीक है। तो वो काम मेरे लिए हेल्प करता है। कई बार क्या है, जब आप इरीगेशन बढ़ा देते हो तो वो इलेक्ट्रोड पे लगा के सामने वाले टिश्यू के ऊपर गिरती है इरीगेशन, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रोड पे ना जाकर जो इरीगेशन है, वो इरीगेशन इलेक्ट्रोड पे ना जाके वो टिश्यू पे जाती है सामने। उसको वॉन्ड को ब्लॉक होने के कितने चांसेस होते हैं ज़्यादा? अगर 100% तो उस केस में फिर तुरंत चेंज करो। देखो अगर आपको लगता है कि पेशेंट पैसे दे सकता है तो वॉन्ड को चेंज कर दो, तो खोल दो उसको, तो खोल के साफ। वॉन्ड में ब्लॉक क्या होता है? इरीगेशन वॉन्ड में इरीगेशन ब्लॉक नहीं होता, ब्लॉक होता है हमेशा सक्शन, सक्शन ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, सक्शन को साफ करने का कोई तरीका? हाँ तरीका है, वो मैं नहीं बताऊँगा आज। नहीं मैं एक्चुअली क्योंकि लखनऊ जाना है, लखनऊ जाने की जो मशीन थी विकास पता है, विकास नहीं जाएगा ना, इनमें से कोई जाएगा, कौन जाएगा तुम्हें से? या तो ये जाएगा विकास से पूछो, समझ में नहीं आएगा तो वीडियो कॉल में बैठा आ जाना। विकास तो कल है, मंडे को तो जा रहा है। सेशन को कुछ नहीं करना यार, सर वहाँ वो मशीन देखेगा कैसे, मशीन ऑन ही नहीं हो रही, वो करेगा क्या? तो प्रॉब्लम कुछ और है, मशीन ऑन ही नहीं हो रही बिल्कुल भी।